बॉस दट अ पेनल्टी काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी द परफॉर्मेंस फ्रॉम पोर्टुगल वॉज नॉट कन्विंसिंग तो वो सब भाई डिस्कस करना बनता है उस एंड ऑन द अपोजिट साइड में ब्राजील गजब खेली लिटरली गजब खेली पहले पचास फुट उतने अच्छे नहीं थे उसके बारे में बात करेंगे लेकिन लास्ट फोर्टी मिनट्स अनप्लेबल थे ऐसा होता ना टीम को स्विच घुमा दिया किसी ने वैसा लग रहा था क्योंकि हर एक प्लेय टर्न अपनी कोई इंजरी हो गई उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मेरा टाइम खराब किया शुरू करता है This video is brought to you by the 1 Football app uh, if you haven't heard about the 1 Football app it is the best app for any sort of world cup coverage you need on a daily basis whether it's head to heads man of the matches match reports everything is available on the 1 Football app at the click of a button and you are instantly notified of any match updates which are going on in the world cup four matches are going on so it's difficult to keep track of every match so OneFootball always has you covered the link is in the description down below download the app and help support the Sunday league pundits Bath main man se cristiano ronaldo he scored today and लग रहा था कि भाई की रोनाल्डो को शायद डे नहीं हो जिससे आप से फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हो रोनाल्डो ने रोनाल्डो के आप कह सकते हो जो क्वालिटी की चांसेस होती है ही इजीली कुड हैव स्कोर टू गोल्स एक वो हेडर था उसका कॉर्नर पे जि, जिसमें उसने सही से कनेक्ट नहीं किया एक उसकी जो चांस थी जिसमें उसको पास मिला था एंड उसका टच थोड़ा ढीला था इसलिए वो कीपर के पास बॉल चली गई थी तो रोनाल्डो आप कह सकते हो थोड़ा और मैच फिटनेस होती रोनाल्डो में थोड़ा और शार्पनेस होती तो आई आई डोंट डाउट रोनाल्डो स्कोरिंग दोस गोल्स बट फिर भी पेनल्टी मिली पेनल्टी काफी आप कह सकते हो तो ड्यूबियस थी लोगों ने कहा भी पेनल्टी पे कि भाई रोनाल्डो थोड़ा सॉफ्ट पेनल्टी है रोनाल्डो के साथ इतना क्लियर कॉन्टैक्ट नहीं था जिसके बारे में आप आर्गू कर सकते हो बट सीधी सीधी है बार तभी इंटरवीन करता जब आप रेफरी को उनका क्लियर एंड ऑबियस एरर लगे एंड क्लियर एंड ऑब्वियस एरर था या नहीं आई थिंक नहीं क्लियर एंड ऑब्वियस तो नहीं था एरर इट कुड बी इट इज अ सॉफ्ट पेनल्टी बट आई वोट से कि ऐसा एरर था

किसी ने नहीं पैन को पकड़ा हुआ था हेडर में स्पेशली जो सेकंड गोल पड़ा था ही ही वाज फ्री मतलब आप से आप कॉम्पैक्ट रहना चाहिए आपको 18 यार्ड बॉक्स में और पोर्टिगल का पूरा डिफेंस बिखरा पड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लैक ऑफ अ प्रॉपर सेंटर बैक पेरिंग इज हर्टिंग पोर्टेगल एंड डिफेंस में कहीं ना कहीं मुझे वो वनरेबल लगे थोड़े बहुत सिलेक्शन मुझे क्वेश्चनेबल लगे भी थे थिंक डिओ हमने दोनों ने अग्री किया था कि डायलॉ शुड स्टार्ट कैंसिलो इतना कन्विंसिंग नहीं लगा कैंसिलो मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा कैंसिल ऑन द रिकॉर्ड तो पे कह रहा है उसने तो एग्री नहीं किया बट मेरे को पता है रिसेंट फॉर्म पे डेलो डा, जिस हिसाब से पॉर्टुगल के लिए खेला रहा है नॉट इवन सिंग से डेलो खेल रहा है गोल थ्रेड जो कैरी कर रहा है कैंसिल हो रियली लुक ऑन इट राफेल भी इतना इंप्रेसिंग इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे उसकी डिलीवरी भी आप कह सकते हो क्रॉसिंग इतनी फ्रिक्वेंटली की नहीं थी लेफ्ट फ्लैंक से बट डेंट लुक दैट ऑन पॉइंट टू मी तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पोर्टुगल मिस फायर तो कर रही थी इसलिए जिससे आपकी स्कोर लाइन थी सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं थोड़ी अटैकिंग इम्पिटेस आई राफेल गोल अच्छा था ब्रोनो फर्नाडेस गुड मैच एंड फाइनली जो बहुत लोग ब्रूनो को गाली देते थे पोर्टुगल के लिए बट ब्रूनो इज प्लेंग वेल्थुगल दोनों असिस्ट उसकी अच्छी थी ब्रूनो भाई अच्छा खेला आज तो आई वॉज अ मिनट बट देखो मैं यूनाइटेड हटा दू अपना बट इफ यू सी द प्रॉब्लम्स आई थिंक अगले मैच में कैंसिल होगा आप लेफ्ट बैक पे खिलाओ प्ले डायलो इन द राइट बैक एंड प्रोबली स्टार्ट पे पे मेरे हिसाब से ठीक है पेपे जो रीडिंग आपको जो रूबन डियास के लिए आप कह सकते हो रिलायबल पार्टनर पेपे के फॉर्म में ही मिलेगा तो वैसे तो देखो मिडफील्ड भी क्वेश्चनेबल था मेरे हिसाब से क्योंकि आपने पेलिनिया स्टार्ट नहीं किया एंड पलिनिया के फॉर्म रहा है

Which was all over the match. ये मैच जो पूरे नब्बे मिनट चला एज द मैच वेंट ऑन उन्होंने किया था भाई थ्रेड दिख रहा था जब भी वो आगे जा रहे थे लेकिन सबसे सब बड़ी दिक्कत थी उनके साथ कि जो मिडफील्ड में बॉल टर्न ओवर ऑफ पोजिशन हो रही थी ना मतलब मिडफील्ड आपके पास क्वालिटी थी भाई ऐसा नहीं थॉमस पार्टी था मोहम्मद कुदूस था तीसरा बंदा अब्दुल समेत था जिसका मुझे नाम चेक करना पड़ा हेन्स द कट तो क्वालिटी थी आपकी मिडफील्ड में लेकिन जिस हिसाब से बॉल बहुत ही आसानी से जैसे रोनाल्डो का पहला चांस देख लो भाई वहां पर टर्न ओवर ऑफ पोजिशन हुआ जो राफेल लिया ने गोल मारा था उस पर टर्न ओवर ऑफ पोजिशन हुआ और ऐसे बहुत सारे चांसेस थे जॉ फिलिक्स वाले गोल पे भी

सेलिब्रेटिंग तब तक दूसरा कागे गाना एंड उसका तो पीछे के देखता है कि भाई आप बेंच पे सेलिब्रेशन चल रहा है पीछे के देखते हैं कि दूसरा गोल गा गई तीसरा गोल तीसरा मीम ये है कि इनाकी विलियम्स भाई तुम कीपर के पीछे खड़े हो सारा काम कर लिया तुमने तुम्हें भाग के जाना है बस बॉल लेनी है और तुम्हें गोल मारना है चूत या पंथी में ज्यादा एक्साइटेड हो गया पता नहीं क्या हुआ भाई कुड नॉट कंट्रोल इम सन जाके तुम पूरी मेहनत करके जाके स्लिप हो जाते हो तो टेक्निकली मैच में था पांच गोल थे फर्स्ट ऑफ पुअर लेकिन एंड देखते हैं पोर्टुगल यहां से क्वालिफाई तो करना चाहिए क्योंकि साउथ कोरिया मेरे ख्याल से हरा देगी मैच देखते हैं कि क्या होगा अब बात करें ब्राजील वाले मैच की ब्राजील का जो तो लाइनअप था ना आज लाइनअप देख के मेरे इनिशियल थॉट्स ये थे, थे कि जब टर्नओवर ऑफ पोजिशन होगा तब ब्राजील कैसे रोकेगी क्योंकि आपके पास लुकस पगेटा कैसे मीरू उसके बाद फिर आगे अगर आगे आप देखिए रपीनिया ऑन द लेफ्ट विनीसियस नेमार एंड अब रिचार्लिसन बट इज नॉट नोन फॉर ट्रैकिंगिसन तो मैं छोड़ देता हूँ रिचालिसन तो से इज अ वर्कआउट सी रन फॉरवर्ड फॉर प्रेसिंग बट वो ऐसे ड्रॉप बैक नहीं करने वाला इज द स्ट्राइकर रोपिनिया छोड़ के कोई और बंदा था नहीं के पास जुम्मे लगा था ट्रैक बैक एंड मैच में यही था जब भी टर्न ओवर पोजिशन हो रहा था सर्बिया वर्क लुकिंग स्पेशली द फर्स्ट ऑफ जो ट्रेडिंग स्पेशल पैंतालीस पचास मैंने इंटरव्यू में बात की थी उसमें सर्बिया थ्रेट लग रही थी लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी सर्वे के पास मेट्रोवे जैसा स्ट्राइकर था पर सर्विस्ट को सर्विस ही नहीं दे पाए भाई, भाई बिल्कुल भी सर्विस नहीं दे पाए मेट्रोविच को अगर सर्विस मिलेगी ही ही, ही विल गेट यू गोल्स भाई उसने दिखाया फुलम जैसी टीम के लिए कंसिस्टेंटली गोल मार रहा है जहां पे इतनी क्वालिटी नहीं है भाई उसके साथ जो खेली बट ही स्टिल स्कोरिंग गोल्स प्रीमियर लीग में सीजन कितना बेहतरीन खेला तो उसको सर्विस दो वो गोल मारेगा लेकिन सर्बिया आज जस्ट फीड मेट्रोविच एंड कुछ एलिसन को, को शायद ही कोई बड़ा सेव करना पड़ा भाई वाज वॉज इजी राइड फॉर द गोलकीपर और अगर ब्राजील में फोकस करे अजिन पहले नहीं मिनट ब्राजील लग रहा था ब्राजील क्लिक नहीं कर रही है या तो कभी कभी वेट और तो पास सही नहीं था जब वेट ऑफ द पास सही था तब फिनिश सही नहीं थी कभी फाइनल टच सही नहीं था रपीनिया के दो बहुत अच्छे चांस थे फर्स्ट हाफ में भाई कैसे ने एक बहुत अच्छा पास दिया था नेमार को, और नेमार को एंड आज थोड़ा सा ऑफ लग रहा था लेकिन उसके बाद भी ब्राजील कॉम्प्रेट भी जीती तो ये एक अच्छी बात है ब्राजील के लिए कि वो नेमार पर रिलाई नहीं करे देर मेन मैन दे बेस्ट प्लेयर नंबर टेन उस पर इतना रिलाई नहीं कर रहे हो उसकी आज बाई एवरेज परफॉर्मेंस और सबसे बड़ी दिक्कत ब्राजील के लिए है कि नेमार को अपेरेंटली शायद कोई इंजरी हुई टेकन ऑफ वो कितनी सीरियस है वो हमें भी नहीं पता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काफी फ्रस्ट्रेटेड बेंच पे लगा के बैठा था अगर आप टैकल देखो तो वो भी well, भाई। तो इंजरी क्राइसिस को खिलाना पड़ा तो चीजें बदल जाती है आपके लिए पहले चालीस पैंतालीस मिनट में डिफरेंस यही था मुझे लग रहा था रिचार्लेन को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप एटीन यार्ड बॉक्स में देखो रिचार्लेसन पे टच ही नहीं था रिचार्लेसन दो गोल मारे तीन टच उसके थे दो से मारे थे तो सेकंड में क्लियर चेंज ये था कि रिचार्लेसन वज मोर इन्वॉल्व फर्स्ट हाफ में ब्राज़ील वर प्लेइंग गुड ऐसा नहीं अच्छा नहीं खेल रही थी बट वो ये कि एंड प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग टच कुछ ना कुछ ऑफ था जैसे गुड साथ एक तरीके से जो हेल्पर में फ्रेंड को यहाँ पे कुछ गाली नहीं दे रहा है तो काफी बर्डन ऑफ प्रेसिंग को शेयर कर लेता है डिफेंसिव ड्यूटीज वो भी ले लेता है बट कैसेमीरो की आप गेम प्रेजेंस देख लो आप पूरे हाफ में देख लो कि

मेरे को मतलब ब्राजील और अर्जेंटीना हमने दोनों फेवरेट रखी थी टूर्नामेंट से पहले बट वॉट डिफरेंस आई सो ब्राजील इन कम्पेरिजन टू अर्जेंटीना वॉज दैट हंगर थी कहीं ना कहीं अर्जेंटीना का हमने कहा था थोड़ा सा कंप्लेसेंट थी अपने अगेंस्ट सऊदी अरेबिया आप कह सकते हो थोड़ा अंडर एस्टिमेट करिए सऊदी अरेबिया कुछ भी हो सकता है मेंटालिटी वाज नॉट हंड्रेड परसेंट जो होनी चाहिए थी इस मैच में ब्राजील मेंटालिटी तो थी ब्राजील आपके पास फाइनल प्रोडक्ट भी ना हो बट एफर्ट की कमी कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं थी चाहे पासिंग देख लो चाहे पूरी टीम की देख लो आई डोंट थिंक डों बैड एलेक्सैंडो को आप क्वेश्चन कर सकते हो पहले लग रहा था भाई कि एलेक्सैंड्रो क्या यार खिलाना चाहिए था अच्छा नहीं खेल रहा इवेंट के लिए ही हैड अ गुड मैच पोल भी मारा था उसने एक तो ही अटैकिंग वेल इसने लेफ्ट फ्लैंक आराम से संभाली थी इवन डेनिलियो को देखो तो डेनिलियो ऑब्वियसली कभी बार इन साइड आप कह सकते हो एज नंबर एट खेलता है वो अंदर आके मिडफील्ड स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्योंकि कैसे मिलो समाइम्स ड्रॉप बैक एज अ सेंटर बैक तो डेनिलियो मिडफील्ड पोजिशन में आ जाता है तो डेनिलियो वो काम बहुत अच्छे से कर रहा था रफिनिया वॉज गेम जो वही मैंने कहा कि सेकंड हाफ में चेंज था टूर्नामेंट तो क्योंकि भाई जो उसने बॉल कंट्रोल की टच उसके बाद फिनिश करना स्पेशली जब आप डिफेंडर था और बिल्कुल करना देट वॉज ग्रेट ग्रेट फिनिश बा दिख रहा था कि ब्राजील और भी मार सकती थी आसानी से कहीं ना कहीं जैसे एक ने का पास था जिसमें उसने डिफेंडर ने आगे सबसे डिफ, टैकल कर दिया था बट मारते, नहीं। मारते नहीं, तो अच्छा था जो यूनाइटेड में, भाई 20 में से एक अच्छा लेता है, पहला ही शॉट अच्छा ले ब्राजील के लिए तो कुछ तो बात है ब्राजील की ऐसी अलग है कुछ तो आप कह सकते हो अलग है ब्राजील की जो आप कह सकते हो स्टेप अप कर लेते हैं द एवरीबडी प्लेड वेल एंड एक अच्छे सी फाउंडेशन आपने ले डाउन कर दी इस मैच के लिए पूरे टूर्नामेंट के लिए क्योंकि जहां पे आप एक आपकी जो आप कह सकते सबसे बड़ा राइवल स्टर कर रहा था आपने द प्रॉबलीस्ट अपोनेंट इन योर ग्रुप स्विट्जरलैंड भी आप कह सकते हो सर्बिया से हल्की सी नीचे मैं कहूंगा इन टीम टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इट्स नॉट एन इजी टीम टू बीट बट सर्बिया मेरे हिसाब से टफेस्ट टेस्ट था ब्राजील के लिए एंड वो फ्लाइंग कलर से उन्होंने पास किया तो मुझे लग रहा है ब्राजील जो हमने उम्मीद मतलब होता ना आपको एक्सपेक्टेशन थी दिस वॉज नॉट अ शॉक टू मी दिस अ परफॉर्मेंस विच आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम ब्राजील एंड दे डिलीवर्ड एक और जो काफी स्टार्क डिफरेंस है अर्जेंटीना की बात की और अच्छा रोड्रिगो को, को लाए वो हिसूस को लाए वो एंथनी को लाए फ्रेड को मैं क्वालिटी नहीं मानता बट स्टिल ही कैन डू हिज जॉब मार्टिन को भी लाए भाई हमारा लौंडा तो ब्राजील के पास जो डेप्थ है और डेप्थ भी है और क्वालिटी हर एक पोजिशन में डेप्थ है भाई आपके पास कैसे मीरो है आपको बस एक फुल बैक्स थोड़ी सी शॉर्ट है ये उसके अलावा कम दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है नहीं और यूनाइटेड को एप्पल की खरीदने की बातें चल रही है क्या मैक <coughs> टॉमनी अब फर्स्ट प्लेयर होंगे ऑन द टीम शीट क्योंकि उनके नाम में मैक Mac है मैक बुक के बाद मैक टॉमनी ऐसा प्रोडक्ट था जिसने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था की प्रोडक्ट लाइन में आएगा पर फाइनली आ रहा है एंड आई एम सरप्राइज क्योंकि मुझे लगा मेरे दोस्तों ने भी भेजा भाई बोला कि भाई बधाइयों बधाईये भेजा था कि मैंने कहा यार अभी इतना क्रेडिबल तो नहीं है एप्पल के अब बहुत ही ऑफ सोर्सिस है पहले डेली स्टार ने रिपोर्ट किया तो डेली स्टार आप लोगों को पता है कितना रिलायबल न्यूज़पेपर है तो उस पर मत जाओ एप्पल इनसाइडर एक आज जो पता नहीं न्यूज सोर्सेज है एप्पल के जो रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स और इन सब से रहता है उन्होंने भी बोला है एमेजोन भी अपेरेंटली इंटरेस्टेड है तो मुझे समझ नहीं आ रहा देखो क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है कि कोई कॉर्पोरेशन किसी क्लब को ओन करता है रेडबोल का एग्जाम्पल है हमारे पास बिकॉज रेडबुल ग्रुप एज ए पूरे क्लब्स को क्लस्टर को ऑपरेट करता है तो

वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसे चिंता नहीं होगी सीधी सीधी बात है मैं ऐसे फिगर नहीं कोट कर सकता आपको पैसे की चिंता नहीं होगी चाहे आपको कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना अकेडमी में इन्वेस्ट करना प्लेयर्स यू हैव कैन टेक योर बेसिकली आ रहा था कि वो बेलिंग में चूज करना पड़ेगा आपको समर वीकेंड बाई बोस एप्पल अगर खरीद लीती है तो ये सारी मीम्स वक् वाली आ रही थी एंड एरिक टन जॉब्स का भी एक मीम आया था एरिकॉब से कम्पेयर करके चश्मा पेना दी बिल्कुल पूरी चल रही है आप मतलब देखो खरीदता है तो इट इज आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन कंसिडरिंग की ऑयल मनी नहीं चाहता हूं मैं मेरी तरफ से बहुत ही बहुत ही हिपोक्रेट वाला मूव होगा कि अगर क्योंकि दुबई फंड की बात आ रही है दुबई इन्वेस्टमेंट फंड है और एक आध और फंड है जो अरब अरे, अरे, अरेबियन बेस्ड बिजनेसेस अरेबिक बिजनेसेस हमारे को जो खरीदना चाह रहे हैं आई डोंट वॉन्ट दैट अगर मैं न्यू कासल सिटी को क्रिटिसाइज करता हूँ और उनके फैन बेस का मजाक उड़ाता हूं उससे कि तो तुम मेरी तरफ से बहुत चूतिया मूव होगा वो कहना कि नहीं नहीं अल्हो तेल का पैसा चाहिए मेरे को ये नहीं कहूंगा मैं बट देखो मुकेश अंबानी की बात

Subscribe if you haven't already and hit the bell icon. Download one football. We'll catch you tomorrow.